बोल श्यावरी रामचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस पंचम सोपान सुंदर कांड श्लोक शांतम शाश्वतम प्रमेयम मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुमं रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नान्या सुप्रहा रघुपते हरते अस्मिदिये है सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगवः निर्भराम मे कामादि दोष रहितं कुरु मां सह च अतुलित बल धामम हेम शलाभ देहम दनुज वन कृशानूमम ज्ञानी नाम अगरगण्यम सकल गुण निधानम वारणामधीशम रघुपीर्य भक्तम वात जातम नमामि नमामि नमामि। शांत सनातन अप्रमेय प्राणों से परे निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहनाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सब के अंतर आत्मा ही हैं। आप सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं। हे रघुकुल श्रेष्ठ मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति शरीर वाले दैत्य रूपी वर को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री राम जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोल हनुमान जी महाराज की जय। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगे मोहि परखेऊ तुम्हें भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। अब जब समुद्र के किनारे खड़े थे हनुमान जी विचार कर रहे थे कैसे माता सीता जी का पता लगाया जाए तो जामवंत जी ने उन्हें कुछ बुद्धि दी। जामवंत जी कहने लगे जामन जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले हे भाई तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना कि जब तक मैं सीता जी की सुधि ना ले आऊँ। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर दक्षिण दिशा की तरफ चले। जब लगी आओ सीता ही देखी होई काजु मोई हर्ष विशेषी यह कही नाई सभने कहूँ माथा चले हर्षी ये धरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कोतक कूदी चढ़े उता ऊपर बार बार रघुवीर संभारी तर क्यों पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल ही में अन्यासी कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े। बार बार सिरे रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता जिमी अमोग रघुपति कर बाना यही बाती चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले जिस पर से उछले वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी तै मैं नाक होई शर्महारी हनुमान ते ही परसा कर पून कीन परनाम राम काज कीने बिनु मोही कहाँ विश्राम। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक तू इसकी थकावट दूर करने वाला हो अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उन्हें हाथ से छू दिया फिर प्रणाम करके कहा भाई श्री राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन के माता पैठ इन्हें आई कही कही बात। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से बात कही।
आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आओ, सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया, यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तऊ बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवन हु जतन दे ई नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने ना दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाने लो। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सो रहे जो जन मुखते ही ठयऊं, तुरंत पवन सुत बतिस भयऊं। उसने योजन भर 400 कोस मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया, इसे 16 योजन का मुख कर लिया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुर सा बदन पठावा, तासुदु उन कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लग रूप पवन सुतलीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पठई बुनी बाहर लावा, मांगे विदाता ही सिरु नावा। मोई सुरन जे ही लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगे लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, उसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करी हूँ तुम्हें बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर सी चले हनुमान। तुम श्री राम जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई, तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। जय राम जय जय राम। निशिचर एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह के परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देख कर गही। छां सक सो ने उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरंत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीव को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया, हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारू सुत वीरा, बारे दीपार गयऊ मति धीरा। तहां जाई देही वन शोभा, गुंज चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, मधु पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। नाना तर फलू फूल सुहाए, खगमग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़ेऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित है, पक्षी और पक्षों के समूह देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमा न कछु कह पिकै दिखाई, प्रभु प्रताप जो कालिए खाए। गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ भी बड़ाई नहीं है, यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ आगे कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे हैं, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायता, घना चहु हट हट सुवट विधि, चारु पूर्व विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर, पदचर रथ बरूथ नहीं को गने। बहुरूप निशिचर दूच अलीबल, बहुरूप निशिचर जूथ अतिबल, सेन बरनत नहीं बने। बन बाग उपन बाटिका सरकूप बापी, सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहु माल देह विशाल शैल समान, अति बल गर जही। नाना खारिन्य भरी है बहु विधि, एक एक नह तर जही। करी जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहूं दिसि रच्छही। कहु मही समान सुधेनु, खर अज खल निसाचर भच्छही। यही लाग तुलसी दास इन्हें की कथा, कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ सरीन नहीं, त्यागी गति तह है सही। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन है विचार, अति लग रूप धरो निसी नगर करो पैसा।
शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर की कुछ बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता, वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है, विचित्र मणियों से जुड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है, हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह, पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है, अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनके अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, गोपन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावलियां सुशोभित है, मनुष्य, नाग, देवता, गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं, कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं, वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके भी बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं, कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों, बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी इनकी इसलिए कथा थोड़ी थोड़ी कही है कि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मस्तक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले सुमिरि नर हरि, नाम लंकनी एक निसाचरी, सोहै चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती है, वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है, जाने ही नहीं मर मूसठ मोरा, मोर आहार जही लगी चोरा, मुठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे ही आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनी संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय संका, जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना, चलत विरंची कहाँ मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी, विकल हो सीते कपि कमारे, तब जाने सुनी सिचर संहारे, तात मोरति पुण्य बहुता, देखे उन्हें राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संघार हुआ जान लेना, हे तात मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी आप जी को आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग पुवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल ने ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। लव यानी क्षण। पर भी सी नगर की जय सब काजा, हर दे राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकर है मिताही, गोपत सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके जब सब काम कीजिए उसके लिए विशेष विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रीति कर सोधा, देखे जह तह अनगित योधा, गयउ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सोनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल गए जहां वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दिखी वे देही, भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा परंतु महल में जानकी जी दिखाई नहीं दी, फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया जहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए।
लंका निशिचर निकल निवासा, इहां का सज्जन करवासा, मनमोहन तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषणु जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु लोग का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमरन कीना, हरदे हरस कपि सज्जन चीना, एहसन हटी करी हऊँ पहचानी, साधु ते होइ ने कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का उच्चारण करके स्मरण किया, हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य करने की हानि नहीं होती, अपेक्षित लाभ ही होता है। वे प्ररूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी थे आहे, करी प्रणाम को पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा, सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। कि तुम्हें हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम्हें रामू दीन अनुरागी, आहे मोहि करण बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दीनों के प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़ भागी को बनाने अर्थात घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरी गुन ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया, सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के प्रेम और आनंद में मगन हो गए। सुनो पवन सुते रहनी हमारी, जिमी दसन महु जीव विचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानु कुलनाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी विनती सुनो, मैं यहाँ से वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव है। तात मुझ अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मनवाही, अब मोही वा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलाई नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधना तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम्हें मोहि दरसु हट दीना, सुनऊ विभीषण प्रभु के रीति, करहिं सदा सेवक पर प्रीति। श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब हई विधिहीना, प्राति ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ, सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उनको भोजन ना मिले। अस मैं अधम सखा सुनु मोहू, पर रघुबीर की नहीं कृपा, सुमरी गुण भरे विलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। बोलो श्री राम जी के भक्त हनुमान जी की जय। जानता हूँ ऐसे स्वामी विसारी, फिरही ते काहे न हो ही दुखारी, यही विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिर वाच्य विश्रामा। पुनी सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही, तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता, देखी चाहूं जान की माता। वो जानते हुए भी ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, तो वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने जानकी जी को, जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी, सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, करी सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जावा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्त उपाय कह सुनाई, तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मसक सरीखा रूप धारण किए वहां गए, जहां अशोक वन में वन के जिस बाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही मऊ की न प्रणामा, बैठे बीती जात निसी जामा, कृष तनु शीश जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए, शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेनी है, लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप करती रहती हैं।
निज पद नयन दिए मन राम पद कमलीन परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन ही मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई करे विचार करो का भाई तेही अवसर रावनू तह आवा संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं, विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहु विधि खल सी तई समझावा साम दाम भय भेद दिखावा कहे रावनू सुनु सुख से आनी मंदोदरी आदि सबरानी। तब अनुचरी करूं पन मोरा एक बार भी लो कूम ओरा तरन धरी ओट कहती वेद ही सुमरी अवधपति परम स्नेही। उस दुष्ट सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखाया। रावण ने कहा हे सुमकी हे सियानी सुनो मंदोदरी आदि सभी रानियों को मैं तुम्हारी राशि बना दूंगा, यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की ओट करके पर्दा करके कहने लगी सुन दसमुख खगोत प्रकाशा कभो कि नलनी करे विकासा असमन समझू कहती जानकी खल सुधी नहीं रघुवीर बान की। सठ सुने हरि आ नहीं मोही अधम निरज लाज नहीं तोही आपनी सुनी खगोत सम राम ही भानु समान परस वचन सुनी काढ़ी असी बोला अति खिसियान। तब सीता जी ने कहा हे दसमुख सुन जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं। रे पापी तू मुझे सुने में हर लाया रे अधम निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला सीता ते मम कृत अपमाना कठि हूँ तव सिर कठिन कृपाना नाही त सपदी मानू मम बानी सुमुखी होती न त जीवन हानि। रावण क्रोधित होकर कहता है कि सीता तूने मेरा अपमान किया, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी से मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ सकेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करी कर समदस कंदर सो भुज कंठ की तव असी घोरा सुनु सठ असे प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा हे दसग्रीव प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह अनल सजातम शीतल निहसित बहती शीतल निहसित बहसी बर धारा कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती कि हे चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थार्थ तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा मयत नया कही नीति बुझावा कहे सी सकल निशिचरे ने बोला ही सीता ही बहुविधि त्रास हो जाही। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा, तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। मास दिवसु महु कहा न माना तो वह मारी विकाढ़ी कृपाना भवन गयो दसकंदर यहाँ पिशाचिनी वृंद सीता इतरा से देखा वही ध्रही रूप बहुमंद। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा, यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका सबन बोली सुनाए सी सपना सीते ही से ही करो ही अपना। सपने वानर अलंका जारी जातु धान से ना सब मारी खर आरूढ़ गगन दस सीसा मुंड सिर खंडित भुज बीसा। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी, वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना सौपन सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सौपन में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई, रावण नंगा है गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 200 भुजाएं कटी हुई है। ए विधि सो दक्षिण दिशि जाई लंका मनो विभीषण पाए नगरी फिरी रघुवीर दोहाई ते प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण यमपुरी की दिशाओं को जा रहा है
और मानो लंका विभीषण ने पाई है, नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा, यह सपना मैं कहूं पुकारी, हो सत्य गए दिन चारी, तासु वचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वपन 4 दिन यानी कुछ दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, माच दिवस बीते मोही मारी निशाचर पोच। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगे कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। तिरजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संग नीत है मोरी, तजो देह करु वेगी उपाई, दुसह बिरहूं अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिसे मैं शरीर छोड़ सकूं, विरह ऐसा ही न हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनी दे ही लगाई, सत्य क्रही मम प्रीति से आनी, सुनो को श्रवण सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता फिर उसमें आग लगा दे, हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे, रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गही समझाए सी, प्रभु प्रताप बल सुज सुनाए सी, निसी ने अनल मिलू सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और यश सुनाए। उन्होंने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी, ऐसा कहकर वे अपने घर चली गई। कह सीता विधि बा प्रतिकूला, मिले न पाक मिटई न सूला, देखित प्रकट गगन अंगारा, अवनिन आवन एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी, आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं ससी सर्वत न आगी, मानव मोही जानी हत बागी, सुनई विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करूं हरु मम शोका। चंद्रमाग्नि में है किंतु वह भी मानो मुझे हत भाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता, हे अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। जीवन में अगर किसी को कोई शोक है कोई दुख है तो वो उसे अशोक वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। जैसे सीता जी ने उन्हें कहा कि हे अशोक मेरा शोक कर ले, तो इस प्रकार से जो मन में दुख दुख पीड़ा होती है उसको जो अशोक के वृक्ष है वो हर लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। नूतन किस लिए अनल समाना, देही अग्नि जनि करहि निदाना, देखि परम विरहा कुल सीता, सोचन कपि कल्प समय बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि देव विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसी उठी कर गहूं। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंग तारा अंगारा दिए दिया हो, यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उसे हाथ में उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चित मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी, अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया तेसी रसी नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उपदान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी, उसी समय हनुमान जी मधुर वाणी बोले, राम चंद्र गुन बैरन लागा, सुन तय सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाही, आदेव ते सब कथा सुनाई, सर्वनामृत जही कथा सुनाई, कहीं सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयूं, फिर बैठी मन विस्मय भयूं। हनुमान जी मधुर वचन में श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया, वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिमृत रूप यह सुंदर कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए, उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई, उनके मन में आश्चर्य हुआ।
राम दूत मैं माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका माँ तू मैं आनी, दीन राम तुम्हें कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान जी की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी निशानी यह पहचानी दी है। नरवाना रही संग कहूं कैसे, कहीं कथा भई संगति जैसे। कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब तो हनुमान जी ने जैसे संग हुआ सब कथा कह सुनाई। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन क्रम से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलका बलि भाड़ी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तातु मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात, हे हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुख धाम प्रभु जी का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सूरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, हो ही निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद भी करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देख कर मेरे नेत्र शीतल होंगे। वचनु आव नैन भरे भारी, ऐ नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जननी जनी जननी मानहु जिए ऊना, तुम्हें ते प्रेमु राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में गलानी ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर, अस कह कपि गदगद भयउं भरे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। कहूं राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किसलिए मनहु कृसानु, काल निशा समन शिष सिभानु। कुबले विपिन कुंत बन सरीसा, बारिद तपत तेल जनु बरीसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग सवास सम त्रिविध समीरा। कहूँ ते कछु दुख घटी हो ही, काहे कहूँ या जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकु मन मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु एत नहीं माही। प्रभु संदेशु सुनत वे देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। हनुमान जी कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए पत्ते, कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान हो गई है, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाने लगे हैं, जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता ही नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई, उन्हें शरीर की शुद्ध ही ना रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरी ना सुमिरु ना कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख
दाता उर आनव रघुपति प्रभु ताही सुनि मम वचन तजहु कदराई। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृषानु जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानु। हनुमान जी ने कहा हे माता हृदय में धैर्य धारण करो, सेवक को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है, हे माता हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होती सुधिपाई करते नहीं विलंबु रघुराही, राम बाण रवि उए जान की तम बरुत कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवायू प्रभु आए सु नहीं राम दोहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित आही रघुवीरा। हे माता मैं आपको अभी से यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है, अतः हे माता कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ही ले जही तिहुपुर नारद आदि जसु गही, है सुत कपि सब तुम्हें समाना जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे, नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा हे पुत्र सब वानर तुम्हारे ही समान है, नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा सुनी कपि प्रकट की है निज देहा, कनक भूधरा कर शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयूं पुनि लग रूप पवन सुत लहूं, सुनु माता सका मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ही खाई परम लघु व्याल। माता ने जब ये कहा कि हनुमान जी छोटे से है सभी वानर ही ऐसे होंगे, तब हनुमान जी ने सुनकर अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ, हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कवि बानी भक्ति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीनी राम पिरे जाना हों तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सुनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात तुम बल और शील के निधान हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ करहुँ बहुत रघुनायक छो हूँ, करहुँ कृपा प्रभु अस सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो, श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत ही कृपा करे प्रभु कृपा करे, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बार बार ना ऐसी पद सीसा बोला वचन जोरी कर पीसा, अब कृत कृत्य भयों में माता आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया, फिर हाथ जोड़कर कहा हे माता मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद मेरे लिए अमोघ है अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु माति मोहि अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुनु सुत करही विपिन रखवारी परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो सुंदर फल वाले वृक्ष को देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई है। सीता जी ने कहा हे बेटा सुनो बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन्ह कर भय माता मोहिनाही जो तुम्हें सुख माने हु मन माही, देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहूं जान की जाहूं, रघुपति चरण हर दह धरी तात मधुर फल खाहूं। श्री हनुमान जी ने कहा हे माता यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मैं उनका भय तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा जाओ हे तात रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले हूँ नाए सिरु बैठे हूँ बागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे कछु मारे सी कछु जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले बाग में घुस गए, फल खाए वृक्ष को तोड़ने लगे, वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला, कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथे कावा कपि भारी तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाए सी फल रु विटब उपारे रक्षक मर्दी मर्दी महिडारे। और कहा
हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए, वृक्षों को काट डाला, रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण बैठे भट नाना तिन्हें, देखी कर जऊ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछुआ धुमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अध मरे थे चिल्लाते हुए गए, पुनी बैठे होते यक्ष कुमारा, चला संग लय सुबट पारा। आवत देखी विटप गई तरजा, ताहि निपाती महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह संख्या श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ ले चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर उसे ललकारा, उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे सी कुछ मर देसी, कछु मिलिए सी धरी दूरी, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनी सुत वध लंकेसरी साना, पैठे सी मेघ नाथ बलवाना। मार सी जनी सुत बांधे सुताही, देखिए कपि ही कहाँ कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा और उसे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं उसे बांध कर लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित बोझ जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर जा अरुधावा। अब जो इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ है वो मेघनाथ चले अपने भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध आया। हनुमान जी को देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरत किन लंकेश कुमारा, रहे मां बटता के संगा, गही गही कपि मर दई निज अंगा। उन्होंने एक बड़ा भारी वृक्ष उखाड़ लिया, उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसल दिया। तीने निपाती ताही ताही सन बाजा, भिरे जुगल मान अहु गज राजा, मुठी का मारी चढ़ा तर जाई, ताही एक छन मुरछा आई। उन सब को मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ आदि भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे गुस्सा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े, उसकी क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी की नैसी बहु माया, जीते न जाए पर भंज न जाया, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि, मन की न विचार, जो ने ब्रह्म सर माना हूँ महिमा मिटई अपार। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उसे जीते नहीं जा सके। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया, यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी महिमा अपार महिमा है, वो मिट जाएगी। ब्रह्म मान कपि कहूँ तेही मारा, पर तिहु बार कटकू संघारा, तेही देखा कपि मूर्छित भयूं, नाग पास बाधे सी ले गयूं। उन्होंने हनुमान जी को ब्रह्म मान मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नाग पास से बांध कर ले गया। जासु नाम जपि सुनाऊ भवानी, भव बंधन कटही नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु का रज लगी कभी बंधावा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कभी बंधन सुनी निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, दस मुख सभा देखी कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभु ताई। बंदर का बांधा हुआ जानकर राक्षस दौड़े कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए आए, सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्यता कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सूर्य दिशिप विनीता, प्रगट विलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप ने कपि मन शंका, जिमि अहि गण मरु गरुड़ अशंका। देवता दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी विनम्रता के साथ भयभीत हुए, सब रावण की बहुत आंक रहे हैं। उसका रुख देखकर, उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह ने गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपि ही विलोक की दशानन, भीषा कहीं दुर्बाद, सुतवध सूरती किहे पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तय की सा, कह केवल घाल ऐसी बन की सा, की ध्रो श्रवण सुनही ते मोही, देखे अति असंख सठ थोही। लंकापति रावण ने कहा, हे रे वानर, तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला, क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना। रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ,
मारे निशिचर कहीं अपराधा कहूं सठ तो ही न प्राण कही बाधा सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाए जासु बल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा रे मूर्ख बता क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं। हनुमान जी ने कहा रे रावण सुन जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है जाके बल विरंची हर ईसा पालत सृजत हरत सीसा जा बल सीस धरत सहसानन अंड कोश समेत गिरी कानन। जिसके बल से हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रम से सृष्टि का सर्जन पालन और संहार करते हैं जिसके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जीवी पर्वत और वन से समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं धरई जब विविध देश उतराता तुम्हें ते सठर सिखा अनुदाता हर को दंड कठिन जही भंजा तही समेत नप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा करे नाना प्रकार की देह धारण करते हैं जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खर दूषण तीसरा अरुवाली वधे सकल अतुलित बलशाली जाके बल लवले से जीते हूँ चराचर झारी तासु दूत में जा करी हरी आने हूँ प्रिय नारी। जिन्होंने खर दूषण तीसरा बाली को मार डाला जो सबके सब अतुल्य बलवान थे जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चरचराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस भाव सन परी लड़ाई समर बाली सन करी जसुपावा सुनी कपी वचन भी हसी भी हरावा। हनुमान जी कहने लगे कि मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ सहस्त्र भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्ग के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा कपि स्वभाव ते तोरे रूखा सबके देह परम प्रिय स्वामी मारे मोरी कुमार गगामी। हे राक्षसों के स्वामी मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए मानव स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े हैं। हे निशाचरों के मालिक देह सबको प्रिय है कुमार पर चलने वाला दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारे तही त बांधे उतने तुम्हारे मोहि ने कछु बांधे कही लाजा कि न चाहू निज प्रभु कर खाजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया किंतु मुझे अपने बंधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। विनीति करूं जोरी करे रावण सुनो मानत जी मोर सिखावन देखूं तुम्हें निज कुलहि विचारी भ्रमत जी भजऊं भगत भयहारी। जाके डर अति काल डेराई जो सुर असुर चर चरा चर खाई तासो बैरू कबो नहीं कीजे मोरे कहे जान की दीजे। परनत पाल रघुनायक करना सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध बिसारी। हे रावण मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो भ्रम को छोड़कर भय हरि भगवान को भजो। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरऊ लंका चल राजू तुम करहू ऋषि पुलस्ती जसु विमल मयंका तेहि शशि महु जनी हों कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा देखु विचारी त्यागी मद मोहा बसन हीन नहीं सो सुरारी सब भूषण भूषित बरनारी। राव विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई सजल मूल तिन सरित नहीं नाही बरसी गए पुनी तभी सुखाई। सुनु दस कंड कहूं पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी शंकर सहस विष्णु अज तोही सकई न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहुसूल पद त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तुम श्री राम जी के चरण कमलों में हृदय धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती मद मोह को छोड़ दो विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाती हैं। हे रावण सुनो मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु माया भी ब्रह्मा भी श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते।
मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो। रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। बोलो श्रीवर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। यद्यपि कहीं कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक विरति नैसानी, बोल अभिहसी महा अभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखाम न मोही, उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रमत और प्रकट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई, अधम मुझे शिक्षा देने चला। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है मेरी नहीं, यह तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि वचन बहुत किसियाना, बेगी नहराऊ मूड कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े, उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आए। नाए शीश करी विनय बहुता, नीति विरोध ने मारिए दूता, आन दंड कछु करिए गोसाही, सबई कहा मंत्र भल नाही। सुनत भी हैसी बोला दसकंदर, अंग भंग करी पठिए बंदर, कपि के ममता पूछ पर सबई कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहूं लगाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है, हे गोसाई कोई दूसरा दंड दिया जाए। सब ने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, तेल में कपड़ा डुबो कर इसे उसकी पूंछ में बांध कर फिर आग लगा दो। पूछ ही वानर तह जाए सी, तब सठ निज नाथ ही यही लाए सी, जिन्हें की गिने सी बहुत बड़ाई, देखी हूँ मैं तिन्हें के प्रभुता ही। जब बिना पूछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले जाएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उसकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद में जाना, जात उधान सुनी रावण वचना, लागे रचे मूड सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए, मन ही मन बोले, मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर राक्षस मूर्ख वही पूछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर वसन धरतेला, बाड़ी पूछ कि नह कपि खेला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारे चरण करही बहुवासी। पूछ के लपेटने में इतना तेल घी कपड़ा लगा कि नगर के कपड़ा घी तेल भी नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूछ बढ़ गई, लंबी हो गई, नगरवासी लोग तमाशा देखने आए, वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजे ढोल देही तब सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ पर जारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं, हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो आए। नींबू की चढ़ेऊ कपी कनक अटारी, भई सबीत निशाचर नारी, हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत उनचास, अट्ठहास करी गर्जा कपी बढ़ी लाग आकाश। बंधन से निकल कर वे सोने के अटारियों पर जा चढ़े, उनको देखकर राक्षसों की तरह भयभीत हो गई। उसी समय भगवान की प्रेरणा से उनचासों पवन चलने लगी, हनुमान जी हट्टास करके गर्जे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देई विशाल परम हर आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है, वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं, आग की करोड़ों भयंकर लपटे झपट रही हैं। तात मा तुहा सुनिय पुकारा, एही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा, चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है, हमने तो पहले ही कहा था यह वानर नहीं, वानर रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर नाथ कर जैसा, जारा नगरों निमि से कमाही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा, उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी परापुनि सिंधु मजारी। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे डाढ़ भयंकर जोरी।
शिव जी कहते कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि देव से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई थकावट दूर करके फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। माँ तू मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुना यक मोहि दीना, चूड़ा मनी उतारी तब दयाऊं, हरे से समेत पवन सुत लयाऊं। हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी, हनुमान जी ने उसे हर्षपूर्वक ले लिया। कहूं तात अस मोर पर नाना, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, कि दीन दयाल विर दूसम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना, इस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों की दुखियों पर दया करना आपका विरद है, मैं दीन हूँ, अतः उस विरद को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिएगा। तात सक्रसुत कथा सुनाए सु, बाण प्रताप प्रभु ही समझाए सु, मास दिवस में हूँ नाथ उन्हें आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना कहना, और प्रभु को उनके बाण का प्रताप याद करवाना, यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे। कहूँ कपि कहीं विधि राखो प्राणा, तमो तात कहते अब जाना, तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोखहुँ सोई दिनु सो राती। जनक सुतई समझाई करी, बहुविधि धीर जुदीन, चरण कमल सिरुनाई कपि, गमनु राम पहिकीन। हे हनुमान जी कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं, हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत माँ धुनि गर जैसी भारी, गर्भ सुनवाई सुनी निशे चरणारी, नाग सिंधु यही पार ही आवा, शब्द किलकिला कपि ने सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना करी, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लाग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने सी राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए, तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है, शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि वे श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पावज में बारी, चले हर सी रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब जाए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए, अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए, तब रखवाले बरसने लगे। तब घूसों की मार पड़ते ही सब रखवाले भाग गए। जाए पुकारे ते सब वन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हरस कपि गरी आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं, यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुधिपाई, मधुवन के फल सकहीं की खाई, यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे, इस प्रकार राजा सुग्रीव ने मन में विचार किया और वे समाज सहित कि वानर आ गए। आए सभी नामा पद सीसा, मिले ही सभी ने अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया, कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले, उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है, श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई। नाथ काजु की नेऊ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुनी सुग्रीव बहुरी ते ही मिले हूँ, कपिन सहित रघुनाथ पही चले हूँ। हे नाथ हनुमान जी ने ही सब कार्य किया है, सब वानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपि ने जब आवत देखा, के काजू मन हर्ष विशेषा, फटक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई सप्तक शिला पर बैठे थे, सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े।
प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले। कुशल पूछी वानरों ने कहा हे नाथ आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघु आया ता पर नाथ करऊं तुम्हें धाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा हे रघुनाथ जी सुनिए हे नाथ जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य मुनि सब उसी पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विरही गुण सागर तासु सुतर लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजय है वही विनय है वही गुणों का समुद्र बन जाता है उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत गिनी जो करनी सहस सम्मुख न जाय सो बरनी। पवन तने के चरित सुहाए जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ पवन पुत्र हनुमान जी जो करने की है उसकी हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुनि हनुमान हर सिंह अलाए। कहूँ तात कहीं भाति जान की रहती करती रक्षा स्वर्ण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा हे तात कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहारु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाही प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है आपका ध्यान ही किवाड़ है नेत्रों में अपने चरणों में लगाए रहती है यही ताला लगा है फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोही चूड़ा मनी दीनी रघुपति हृदय लाई सोई लीनी नाथ जुगल लोचन भरी बारी वचन कहे कछु जान की कुमारी। अनुज समेत गये हूँ प्रभु चरणा दीन बंधु प्रण तार तिहरना मन क्रम वचन चरण अनुरागी कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा हे नाथ दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। भाई छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं मैं मन वचन क्रम से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना बिछुत प्राण ने की न पयाना नाथो नैनी को अपराधा निश्चित प्राण कहे सहती वाधा। हाँ एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए किंतु हे नाथ यह तो नेत्रों का अपराध है कि जो प्राणों के निकलने से हट पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनु तूल समीरा श्वास जरई छन माही शरीरा नयन सन वही जलू निज हित लागी जरे न पाव देह विरह आगी। विरह अग्नि है शरीर रूई है श्वास पवन है इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देख कर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपति विशाला बिनय न कहे भली दीन दयाला निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समय बीती बेगी चलिए प्रभु आनिए उज्ज्वल खल दल जीती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है हे दीन दयालु हे बिना कहीं ही अच्छी है कहने में आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निधान उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है तो हे प्रभु तुरंत ही चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुने सीता दुख प्रभु सुख ऐना भरी आए जल राजीव नैना वचन काए मन मम गति जाही सपने हूँ बूझिय विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के चरण कमलों में नेत्र भराया वे बोले मन वचन शरीर से जिसे मेरी गति हो मेरा आश्रय है उसे क्या सौपन में भी विपत्ति आ सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सो ही जब तब सुमरिन भजन न होई केति के बाद प्रभु जात उधान की रिपु ही जीती आनी भी जान की। हनुमान जी ने कहा हे प्रभु विपत्ति तो वही है तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आइएगा। सुनो कपि तो ही समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तन धारी प्रीति उपकार करो का तोरा सन्मक होई न सकत मन मोरा।
भगवान कहने लगे कि हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूँ, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनो सुत तो ही उरिन में नाही, देख्यों करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है, शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु वचन बिलोकि मुख गात हर सिंह हनुमंत, चरण प्रेम प्रेमा कुल त्राही त्राही भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर उनके प्रसन्न मुख और पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए। प्रेम में विकल हो हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहते कहते वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन ते उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरी सो दशा मगन गोरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता ही नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का श्रवण करके शिव जी भी प्रेम मगन हो गए। सावधान मन करी सुर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर कही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया, हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहूँ कपि रावण पालित लंका, केही विधि देहूं दुरज अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका, उसके बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और अभिमान रहित वचन बोले। साखा मृग के बड़ी मनुसाही, साखा ते साखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गन विधि विपन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वे एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मार कर अशोक वन उजाड़ डाला। सो सब तब पर ताप रघुराई, नाथ ने कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है, हे नाथ इसमें मेरी प्रभुता बढ़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहू प्रभु कछु अगम नहीं, जहाँ पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बढ़वान लही जारी सकई खलु तूल। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। आपके प्रभाव से रूई जो स्वयं बहुत जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय जला सकती, अर्थात असंभव को भी संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं अस्तु तब कहू भवानी। हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति की कृपा करके कहिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाव जही जाना, ताही भजनु ते जिभावन आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे उमा जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वह श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पाक गया। सुनी प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि तही बोलावा, कहो चलो कर कहूँ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंठ श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंबों के ही कारण की जे, तुरंत कपिन कहूँ आयुष दीजे। कौतुक दे की सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षी। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथ बजूथ, नाना वरण अतुल बल वानर भालू बरूथ। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की है लीला, रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसा कर हर्षित होकर देवता आकाश में अपने अपने लोक को चले गए। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया, सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेकों रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।